हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन सर सिक्स टू नाइन ऑफ चैप्टर टू माइक्रो ऑर्गनाइजम्स फ्रेंड एंड फो क्लास एट्थ एन सी आर टी साइंस कि स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन सिक्स टू नाइन को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स है स्टूडेंट्स नेम द माइक्रो ऑर्गनाइजम्स विच कैन फिक्स एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन इन द दोइल कि हमें उन माइक्रो ऑर्गनाइजम्स के नेम बताने स्ट्रेंड्स जो एटमोसफियर की नाइट्रोजन को सोइल में फिक्स करने का काम करते हैं द माइक्रो ऑर्गनाइजम्स विच कैन फिक्स एटमोसफियरिक नाइट्रोजन इन द दोइल आर कि वो ऑर्गनाइजम्स हैं राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन आलगे ये टू ऑर्गेनाइजम्स टू माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स हैं स्टूडेंट्स जो कि एटमोसफियर से नाइट्रोजन गैस को सोइल में फिक्स करने का काम करते हैं ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन राइट टेन लाइंस ऑन द यूजफुलनेस, यूजफुलनेस यानी उनकी इम्पोर्टेंस ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स कि माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स की यू इम्पोर्टेंस इन अवर लाइफ कि हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गनाइजम्स की क्या इम्पोर्टेंस है क्या यूज है उनके इसके लिए हमें टेन लाइन्स बतानी हैं सो यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गनाइजम्स आर फर्स्ट बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड कि अगर हमें दही का यूज करना है तो हम बैक्टीरिया हमारी हेल्प करते हैं मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में और हम कर्ड का यूज कर पाते हैं सेकंड है फंगी आर यूजफुल इन मेकिंग ब्रेड इडली एंड डोसा की जो फंगी माइक्रोर्गनाइजम्स हैं वो ब्रेड इडली और डोसा बनाने में हमारी हेल्प करते हैं नंबर थ्री बैक्टीरिया आर यूजफुल इन मेकिंग वाइन विनेगर एल्कोहल एक्सेट्रा कि कई यूजफुल सब्सटेंस बनाने में बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होते हैं हमारी हेल्प करते हैं दे कम्पोज दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर कि जो ऑर्गेनिक मैटर है यानी जो डेड रिमेन्स हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं यानी कि एक यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जिसे कंपोस्ट कहा जाता है नेक्स्ट दे फिक्स ए नाइट्रोजन इनटू सोइल कि नाइट्रोजन को सोइल में फिक्स करने का काम करते हैं जिससे प्लांट को यूज प्लांट को फ़ायदा होता है मशरूम्स आर ईडेबल फंगी कि मशरूम को हम जो कि एक माइक्रोर्गनाइजम्स की ही टाइप है उसे हम इडेबल यानी ईट कर सकते हैं नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स आर मेड बाय माइक्रो ऑर्गनाइजम्स की एंटीबायोटिक जो मेडिसन्स हैं वो माइक्रो ऑर्गनाइजम्स की हेल्प से बनाई जाती हैं दे आर यूजड टू प्रिपेयर वैक्सीन्स कि वैक्सीन्स बनाने में भी माइक्रो ऑर्गनाइजम्स का यूज है जो हमें बचपन में वैक्सीन्स लगाई जाती हैं जिससे हम डिसीज से बचे रहते हैं वो वैक्सीन्स माइक्रोगनाइजेंस की हेल्प से स्टेंट्स तैयार की जाती हैं सम बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैस कि जो नाइट्रोजन साइकिल होता है स्टेंट्स की कुछ बैक्टीरिया तो नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट करके सोइल में फिक्स करते हैं जबकि सम बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन की वापस से उन्हें नाइट्रोजन के कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में चेंज करने का काम करते हैं जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की कमी नहीं रहती दे इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी कि माइक्रोर्गनाइजम्स हमारे सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं जिससे हम अच्छे प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन आपको लर्न करना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ओन द हार्म्स हार्म्स यानी कि उनके नुकसान कोज्ड बाई माइक्रो ऑर्गनाइजम्स कि माइक्रो ऑर्गनाइजम्स के क्या हार्म्स हैं हमारी लाइफ में एक शॉर्ट पैराग्राफ हमें इस पर लिखना है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गनाइजम्स हेडिंग डाल लेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गनाइजम्स कि देश माइक्रो ऑर्गनाइजम्स कोज ए वेराइटी ऑफ डिस इन प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बिंग्स कि कुछ माइक्रोर्गनाइजम्स ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सी ऐसी वेराइटी हैं जो डिसीज फैलाने में डिसीज फैलाती हैं प्लांट के अंदर भी एनिमल्स के अंदर भी और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी डिसीज़ फैलाने में वो अपना काम करते हैं तो इसलिए वो हार्मफुल इफ़ेक्ट हो गया हमारे लिए फॉर एग्ज़ाम्पल्स इन हुमैंस बैक्टीरिया कोज डिसज सचैज ट्यूब्रोक्लोसिज टाइफाइड एक्सेट्रा ई टी सी आएगा गया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे स्टूडेंट जो हमारे अंदर यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्यूब्रोक्लोसिज यानी टी बी टाइफाइड जैसी डिसीज फैलाने का कारण बनते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो गए इन कैटल कैटल यानि एनिमल्स के अंदर द फुट एंड माउथ डिसीज इज़ कोज बाई ए वायरस कि वायरस की वजह से कैटल के अंदर फुट एंड माउथ डिसीज होती है दे स्पॉयल फूड आइटम्स ये हमारे फूड आइटम को भी स्पॉयल कर देते हैं एज वेल एज अदर आर्टिकल लाइक क्लोथ्स लेदर की रेनी सीजन में कई बार क्लोथ्स और रेन लैदर में भी ये माइक्रोगनाइजम्स उत्पन्न हो जाते हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये उनको भी ख़राब कर देते हैं सो so, स्टूडेंट्स ये थे माइक्रो माइक्रोर्गेनाजम्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट आर एंटीबायोटिक्स हमें एंटीबायोटिक्स का मीनिंग बताना है कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं वट प्रिकेशंस की क्या सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए मस्ट बी टेकन कि अवश्य ही वो प्रिकेशंस हमें लेनी चाहिए वाइल्ड टेकिंग एंटीबायोटिक्स जब हम कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं तो उसके लिए क्या प्रिकोशंस यानी सावधानी हमें अवश्य ही रखनी होगी दो बातें हमें बतानी है फर्स्ट एंटीबायोटिक का मीनिंग कि एंटीबायोटिक्स आर मेडिशंस की एक तरह के मेडिसंस हैं प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया एंड फंगी की हेल्प से बनाई जाती हैं दे किल अदर डिसज कोजिंग माइक्रोर्गनाइजम्स और वो क्या करती हैं जो दूसरे माइक्रोर्गनाइज जो डिसज फैलाते हैं उनको किल करने का काम ख़त्म करने का काम करती हैं और जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है फ्रेंड्स उनके एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन टेरासाइलिन साइक्लिन पेंसिलिन एक्सेट्रा जितने भी एंटीबायोटिक्स मेडिसन देखोगे फ्रेंड्स उनमें नाम के पीछे वर्ड मिलता है स्टेप्टोमाइसिन टेरासाइक्लिन पेंसिलिन इस तरह के वर्ड हमें देखने को मिलते हैं और कॉमन एंटीबायोटिक्स ये कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जिनका ज़्यादातर यूज रहता है अब हमें स्नेट्स बताना है प्रिकेशन कि क्या सावधानियां हमें और सही रखनी चाहिए क्या प्रिकेशंस रखनी चाहिए मस्ट बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक जब हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं तो उसमें हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी हैं फर्स्ट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए वेल क्वालिफाइड डॉक्टर कि डॉक्टर जो कि वेल क्वालिफाइड है कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर की सुपरविज़न में यानि उससे सलाह लेकर ही हमें एंटीबायोटिक्स मेडिसिंस लेनी चाहिए हमें कभी भी मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिसिन लेकर उसको नहीं यूज करना चाहिए डॉक्टर से अवश्य ही सलाह लेनी ज़रूरी एडवाइस लेनी ज़रूरी है इट शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट एंड राइट टाइम और सही मात्रा में और सही समय पर लेना इसको ज़रूरी इसीलिए वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से अगर हम एडवाइस लेके इनको यूज करेंगे तो वो हमें सही डोज देता है और टाइम भी बताता है कि किस टाइम पर कौन सी डोज लेनी है यू मस्ट फिनिश कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाई द डॉक्टर और डॉक्टर ने जो कोर्स हमें दिया है कि टू डेज़ या थ्री डेज का जो कोर्स बताया है उतने ही दिन हमें वो मेडिसन्स लेनी होती हैं उस कोर्स को फिनिश करना होता है अगर हम तीन दिन का कोर्स दिया और दो दिन मेडिसिन लेकर तीसरे दिन मेडिसन नहीं लेते हैं तो डिसीज हमारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाती इसलिए डॉक्टर ने जो भी कोर्स हमें बताया उसे हमें अवश्य ही फिनिश करना चाहिए सो so, स्टूडेंट्स ये अपलिकेशन समय रखनी जरूरी हैं ओके स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक आज लर्न कर लेना है नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सर समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे थैंक यू